हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी लैब मैनुअल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप टेस्ट स्लाइड मेथड से कैसे करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो पहले हम देखते हैं। तो एक एबीओ ब्लड ग्रुप का बॉक्स होता है एनटीसीआर का, ये होना चाहिए। एक क्लीन ड्राई स्लाइड होना चाहिए, लैंसेट होना चाहिए, और ये लैंसेट डिवाइस होना चाहिए जो ब्लड ग्रुप करने के लिए जरूरी होता है। बॉटम सैक होना चाहिए, ठीक है, और ये टूथपिक होना चाहिए ब्लड को और एंटीसीरा को मिक्स करने के लिए। तो प्रोसीजर हम देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लीन ड्राई स्लाइड ले लेंगे हम, ठीक है, और उस पर हम मार्कर से मार्क कर देते हैं। क्या मार्क करेंगे, तो हमारे पास जो एंटीसीरा होता है उसके नाम से हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ए बी और डी। हमने ये तीन मार्किंग कर दिया ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ पर क्या क्या डालना है। अब हम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, ब्लड प्रिक करने का क्या प्रोसीजर है। तो हमने सबसे पहले कॉटन स्वैप लिया और फिंगर को जो है हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे कॉटन से। मैं कॉटन से फिंगर को क्लीन कर लिया और हम क्या करेंगे, इस लैंसेट को लैंसेट डिवाइस में सेट करेंगे और जो है और कॉट कर लेते। हमने मिक्स, हमारा हाथ गंदा कंटामिनेटेड हो गया, फिर से हमने लेंस सेट छोड़ लिया, हम इसको मिक्स कर लेंगे फिर से। ओ, अब हम ये देखिए, अब हम जो है ब्लड प्रिक करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर ब्लड प्रिक कर लिया। अब हम तीन ड्रॉप ब्लड डालेंगे तीन जगह, जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया उसके सामने। हमने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, अब हम यहाँ डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ब्लड एक्स्ट्रा ब्लड है इसको हम कॉटन लगा कर इसको हम साफ कर लेते हैं। अब जो है हम जो हमारे पास एंटीसीरा का बॉक्स है उनको हम ओपन करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है तीन होते हैं, ट्यूब होता है, एक एंटी का, एंटी ए का, और एक एंटी बी का, और एक होता है एंटी डी का। तो फटाफट डालेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है ब्लड करने के बाद, क्योंकि क्लॉट हो जाता है ब्लड। तो हम इसमें डालेंगे, इसमें एंटी ए डाल दिया हमने जहाँ पर जो मार्किंग किया हुआ, ये एंटी बी है तो हम एंटी बी जो है एंटी बी के सामने डालेंगे। और हम एंटी डी डालेंगे डी के सामने, हमारा एंटी डी है, एंटी डी डालेंगे। टूथपिक लेंगे, तीन टूथपिक लेंगे अलग अलग तीनों को मिक्स करने के लिए। हम टूथपिक को मिक्स करेंगे, जो हमारा ये एरिया है उससे मिक्स करेंगे ऐसे करके, हमने मिक्स कर दिया, सही से मिक्स करेंगे ताकि हमारा पूरा मिक्स हो जाए। और हम इसको भी मिक्स कर देंगे। अब आप देखेंगे कि मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है एग्लूटिनेशन हमें दिखने लग गया। ये देखिए डी में एग्लूटिनेट हो गया, इसमें भी एग्लूटिनेशन हो गया, आपको दिखने रहा चूँकि इसमें ब्लड कम आ गया तो ये पूरा दिखने रहा, पर ये एग्लूटिनेट हो गया। ये देखिए ये पूरा जो एग्लूटिनेशन दोनों में हमें प्रॉपर दिख रहा है। अब हम पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप है, एग्लूटिनेशन के हिसाब से कौन सा ब्लड ग्रुप है ये पता लगाएगा। तो आप देखिए ये ए वाला है, ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी में एग्लूटिनेशन हुआ, और ये डी में एग्लूटिनेशन हुआ। तो ये हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो हमारा जिसमें एग्लूटिनेशन होता है ना वो ब्लड ग्रुप हमारा काउंट किया जाता है, वो हम नोट करते हैं। और ये जो डी होता है ये इसको आरएच फैक्टर भी बोलते हैं, तो आरएच फैक्टर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। तो जब ये इसमें एग्लूटिनेशन होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये निगेटिव होता है। तो ये देखिए इसमें बी में एग्लूटिनेशन हुआ और ये डी में एग्लूटिनेशन हुआ, इसका मतलब इस दोनों में एग्लूटिनेशन हुआ तो बी पॉजिटिव। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि अब ए में एग्लूटिनेशन हुआ, बी में नहीं हुआ, और ये डी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। तो ए में एग्लूटिनेशन हुआ
और डीमैग्नीटाइजेशन हुआ तो ए पॉजिटिव होगा। इसमें एग्लूटिनेशन होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव मानते हैं। अगर सपोज कीजिए इसमें भी एग्लूटिनेशन हुआ, इसमें भी एग्लूटिनेशन हुआ और इसमें भी एग्लूटिनेशन हुआ, तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। और ये सपोज कीजिए कि आप ना तो इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, ना इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, ना इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, मतलब तीनों में से किसी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि आर एच नेगेटिव ब्लड है। इसका मतलब हुआ कि जो एग्लूटिनेशन किसी में नहीं होता, इसका मतलब वो होता है वो, और हमारा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, इसमें नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ, तो सिर्फ ए में एग्लूटिनेशन हुआ और नॉट तो डी में हुआ, तो ए नेगेटिव होगा। अब इसमें सपोज इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसमें हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, ये बी नेगेटिव होगा। और सपोज कीजिए कि इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, इसमें हुआ और इसमें नहीं हुआ, ये ए भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ये हमारा है ब्लड ग्रुप पता लगाने का, किसमें कौन सा एग्लूटिनेशन होता है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा क्या है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर एग्लूटिनेशन होता क्यों है। तो एग्लूटिनेशन इसलिए होता है कि हमारा जो सेल्स होता है आरबी ब्लड में होता है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होता है, उस रेड ब्लड सेल्स के जो सरफेस होता है उस पर हमारा जो एंटीजन होता है, और हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ये नॉन एंटीबॉडी होता है, एंटी सीरा होता है। तो जब हम ब्लड के साथ ये मिक्स करते हैं तो जो हमारा जो ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो उस एंटीबॉडी से वो मिक्स कर जाता है, मिक्स रिएक्टेड रिएक्ट हो जाता है, तो वो एग्लूटिनेट हो जाता है, क्लम्प हो जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन हो गया। तो जो एग्लूटिनेट होता है इसका मतलब वो एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, और जो एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, जिसके साथ एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब उस टाइप का रिस्पेक्टिव एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। सपोज कीजिए कि इसमें अगर बी है हमारा, अगर बी हम डालेंगे और बी में हमारा एग्लूटिनेशन हो गया, इसका मतलब हम समझेंगे कि ब्लड के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है। और यदि ए है और ए में हमने एंटीबॉडी डाला, ए एंटी सीरा डाला, अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटीजन, उसके रिस्पेक्टिव एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है। और यदि डी है, डी में है, अगर हम डी में डालेंगे एंटी डी और उसके साथ यदि रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटी जो डी होता है, जो आर एच होता है, वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसे रिएक्शन नहीं करता। तो जिसके साथ रिएक्शन करता है ना एंटीसिया, वो एंटीजन उसमें प्रेजेंट होता है और वो हम काउंट करते हैं। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप मेथड, ऐसे करते थे स्लाइड मेथड से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हम बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।